करिश्मा एंड वेलकम टू एस्थेटिक लाइफस्टाइल। दोस्तों, नेचुरली ग्लोइंग स्किन किसको पसंद नहीं है, लेकिन जब बात आती है उस ग्लोइंग स्किन को मेंटेन करना तो कहीं तौबा मच जाती है और आपका ध्यान जाता है कॉस्मेटिक्स की तरफ। कॉस्मेटिक्स से क्या होता है, टेम्पररी आपकी स्किन को ग्लो मिलता है और बाद में आपकी स्किन की बैंड बन जाती है। इसीलिए बरसों पहले हमारे दादी नानी ने कुछ नुस्खे अपने लिए लाए हैं, तो चलिए उस नुस्खों को भी आजमाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सम फेस मास्क टू मेंटेन योर ग्लोइंग स्किन। सो विदाउट एनी फर्दर टॉक, लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस पैक बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच चावल का आटा, फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन, फिर इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसे ऐड करेंगे 1 चम्मच मलाई, फिर आधा नींबू इसमें निचोड़ेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। देखिए दोस्तों, हमारा फेस पैक एकदम रेडी है। अब हम इसे फेस पैक अप्लाई करेंगे। दोस्तों, चावल का आटा आपकी स्किन को ग्लोइंग रखता है। लेमन में होता है विटामिन सी, जो कि आपको प्री मैच्योर एजिंग से बचाता है। मलाई आपकी स्किन से ड्रेड से रिमूव करने में हेल्प करता है। हल्दी एक्ने से फाइट करने में हेल्प करता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट रखेंगे, फिर अपना फेस वॉश कर देंगे। जब आपका फेस ड्राई हो जाए, फिर इसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपको आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो नज़र आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली लाइट चला गया था, इसके लिए मुझे घर के बाहर आके आपको मेरा ये रिव्यू देना पड़ा। नेक्स्ट फेस पैक के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच चावल का आटा, उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं पोटैटो जूस। गाइस, पोटैटो जूस बनाने के लिए हमें पोटैटो को मिक्सर में डालना है और मिक्सर होने के बाद हमें उसे अच्छे से छान के लेना है, तो हमारा पोटैटो जूस रेडी हो जाएगा। मुल्तानी मिट्टी एक्ने, डार्क स्पॉट्स और एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है और ये आपके फेस को डीपली क्लीन करता है। साथ में पोटैटो इज ए नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट, जिसमें है विटामिन सी, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्किन से स्कार स्पॉट्स रिमूव करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो ऐड करता है। चावल का आटा हमारी स्किन फेयर एंड ग्लोइंग करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट फेस मास्क फॉर योर स्किन। बस 10 मिनट फेस पे रखिए और फेस वॉश कर दीजिए। आप देख सकते हो कि फेस ड्राई हो चुका है, तो चलिए दोस्तों इसे वॉश करते हैं। आफ्टर फेस वॉश यू कैन एक्चुअली सी माय ग्लोइंग स्किन। नेक्स्ट फेस पैक के लिए हम लेंगे 1 चम्मच बेसन, उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कर्ड यानी दही, फिर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच टोमेटो जूस, मिक्स इट वेल। Yes, this is the perfect consistency to apply your face. Now I'm going to apply this on my face. बेसन ऑयली स्किन के लिए एक अच्छा क्लींजर का काम करता है और साथ ही में अपने स्किन में एक अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करता है और साथ ही में आपके फाइन लाइंस को रिमूव करता है, और टोमेटो जूस सनबर्न और सेल डैमेज को कम करके ग्लोइंग स्किन बनाता है। इसे 10 से 15 मिनट अपने फेस पे रखिए और फेस वॉश कर दीजिए। आप देख सकते हो फेस ड्राई हो चुका है, अब हम इसे वॉश करेंगे। याद रखिए, फेस वॉश करते समय फेस सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए वॉश कीजिए। Yes, you can actually see the natural glow on my skin.
नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच मैश्ड बनाना, और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच शहद यानी कि हनी। ये एकदम सही वाली कंसिस्टेंसी है आपके फेस पे अप्लाई करने के लिए। बनाना में होता है विटामिन ए जो कि आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही हमें स्किन के रफ ड्राई पैच स्ट्रक्चर को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, और हनी आपके स्किन की जो हीलिंग प्रोसेस होती है ना उसको स्पीड अप करने में मदद करता है। इसे हम 10 से 15 मिनट तक फेस पे रखेंगे और फिर वॉश करेंगे। ओ माई गॉड, लुक एट दैट ग्लो ऑन माई स्किन। ये सारे फेस वॉशेज जो है ना वो हफ्ते में 3 से 4 बार आप आराम से लगा सकते हो। जो कि ये सारी चीज़ें हैं नेचुरल, तो साइड इफ़ेक्ट का टेंशन ही क्या। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से चीज़ों से आपके स्किन पे एलर्जी इन्फेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रोडक्ट आप चूज़ करिए और आपके फेस पे अप्लाई करिए। ये सारे मास्क अगर आप रोज लगाना चालू करोगे ना तो 100% आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, रिंकल फ्री रहेगी फॉर लाइफ लॉन्ग। ये मास्क जो है ना वो आपकी स्किन को वेल बैलेंस्ड रखेंगे। ये सारी रेमेडीज आप यूज करिए और कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस जरूर बताइए। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और हाँ प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे स्टाइलिश।